दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 433 मेगाहर्ट्ज आरएफ रिमोट कंट्रोल रिले मॉड्यूल बनाना सिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रांसमीटर में चार बटन है जिनसे हम इन चार रिलेज को वन बाय वन ऑन ऑफ करेंगे, जिससे हम कोई भी डिवाइस ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसमीटर में चार बटन है, मैं जो बटन दबाता हूँ उससे एक रिले ऑन होता है, दूसरा बटन दबाने पर दूसरा रिले, और इस तरह से हम चारों बटन से चार रिलेज को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इन रिलेज पर हम कोई भी लोड लगा के उनको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं इस सर्किट के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनमोहन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं 433 मेगाहर्ट्ज का ये ट्रांसमीटर रिसीवर सर्किट। ये एक रेडीमेड मॉड्यूल है जो आपको अमेजन पे मिल जाएगा, इसका परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हैं जो ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, इस रिसीवर को हम इस रिले मॉड्यूल के ऊपर कनेक्ट कर देंगे, माउंट कर देंगे। ये रिले मॉड्यूल जो है मैंने मेरे पिछले वीडियो में बनाना सिखाया है आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे सीख सकते हैं। और इसको हम आज आरएफ रिमोट से कंट्रोल करके बताएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर्डुनो से कनेक्ट करेंगे इसी रिले मॉड्यूल को, इस रिसीवर को, और एक रिले मॉड्यूल को भी इससे कनेक्ट करेंगे। फिर इस ट्रांसमीटर से हम उस रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार इसका माइक्रो कंट्रोलर इस बोर्ड के ऊपर माउंट करेंगे और हम बना सकते हैं एक कंप्लीट रिमोट कंट्रोल। जो कंपोनेंट्स आज के वीडियो में हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। हमें चाहिए ये 433 मेगाहर्ट्ज का आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर रिमोट कंट्रोल मॉड्यूल, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, परचेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके चारों बटन से हम ये चार रिलेज ऑन करके बताएंगे, इसलिए हमें ये चार रिले का एक मॉड्यूल भी चाहिए इस सर्किट में। और हमें चाहिए एक आर्डुनो यूनो, ताकि जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और उसके थ्रू ये जो रिसीवर है, रिसीवर में केवल पल्स जनरेट होती है, उन पल्स से हम रिले को ऑन और ऑफ़ करेंगे। हम चाहे तो ये 433 का लो कॉस्ट मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं आरएफ वाला, लेकिन इसके लिए हमें दो आर्डुनो बोर्ड चाहिए। मैंने पिछले एक वीडियो में ये बना के सिखा रखा है आपको किस तरह से इन मॉड्यूल का यूज़ करके एक रिमोट कंट्रोल रिले बनाना है, लेकिन आज हम ये रेडीमेड मॉड्यूल यूज़ करेंगे, जिससे बहुत ही आसानी से केवल एक आर्डुनो यूज़ करके हम ये बना सकते हैं। कुछ कनेक्टिंग वायर्स हमें चाहिए, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जो रिसीवर मॉड्यूल है इसका पिन डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। जैसा कि आप इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा एक ग्राउंड का पिन है इसके पास वाला +5 वोल्ट का, और बाद के जो चार पिन से ये वाले, ये डेटा के पिन से जिनसे हाई पल्स आएगी। ओके, इससे हम इनपुट लेंगे हमारे आर्डुनो बोर्ड में। मेल टू फीमेल जंपर्स की मदद से हम इस मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे हमारे आर्डुनो बोर्ड से। तो मैं यहाँ पर फीमेल कनेक्टर जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। ग्राउंड पर मैंने लगाया है ब्राउन वायर और रेड लगाया है +5 वोल्ट पर। इसके बाद हम क्या करेंगे कि चार जंपर का एक सेट लेंगे और उसके थ्रू हम ये जो डेटा पिन से चारों इनको कनेक्ट करेंगे। ये मेल टू फीमेल जंपर है, तो फीमेल पोर्शन हमने लगा दिया है हमारे मॉड्यूल पर, और जो मेल वाला पोर्शन है हम इस आर्डुनो बोर्ड पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मुझे पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है नीचे पावर कनेक्टर से, इसमें +5 वोल्ट पर मैं ये रेड वायर कनेक्ट करता हूँ और ये ब्राउन वाला ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो चारों डेटा पिन से, इन डेटा पिन को मैं कनेक्ट करूँगा, यहाँ पर इनको व्यवस्थित कर लेता हूँ। ये चारों डेटा पिन जो है इनपुट पिन से, ओके, तो इनपुट के लिए हम यूज़ करेंगे पिन नंबर 9, 10, 11, 12। किसी भी सीक्वेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, बस 9, 10, 11, 12 हमें यहाँ कनेक्ट करना है। इसके बाद ये रिले मॉड्यूल है, रिले मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए मैं 6 पिन का जंपर लूँगा, मेल टू फीमेल जंपर है, और इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। इसमें जो दोनों तरफ के, दोनों साइड्स में, दोनों टर्मिनल के जो ये वायर से, ये पावर सप्लाई के लिए है, ग्रीन वाला +5 वोल्ट और ब्लैक जो है वो ग्राउंड है, तो उसे भी मैं यहाँ पावर कनेक्टर्स में कनेक्ट कर देता हूँ। और बीच के जो ये चार वायर्स हैं, ये चारों जो है ये आउटपुट की पिन से जो रिले को ऑन ऑफ करेगी, तो इसे मैं कनेक्ट करूँगा पिन नंबर 5, 6, 7, 8 पर। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। 5, 6, 7, 8 आउटपुट के हैं और 9, 10, 11, 12 इनपुट के हैं।
तो ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पर सर्किट। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम समझाऊँगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। वो कोड जो हमें अपलोड करना है अपने आर्डिनो बोर्ड में, ताकि हमारा सर्किट वर्क कर सके। तो जो प्रोग्राम मैंने बनाया है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ इजी वर्ड्स में। ये चारों पिंस हमने डिक्लेयर किया आउटपुट की पिंस, रिले 1 2 3 4, चारों रिले को एक नाम दे दिया है और चारों रिले पिंस जो है कनेक्टेड है पिन नंबर 5 6 7 8 पर। इसके बाद जो इनपुट है हमने लिया है इन चार पिंस पर पिन नंबर 9 10 11 12। हमने चारों इनपुट्स को नाम दे दिया है RFA, RFB, RFC और RFD। इसके बाद हमने यहाँ पर ये चार वैल्यूज़ लिए SW1, SW2, ये एक तरह से स्विच 1 स्विच 2 है और इसे हमने स्वैपिंग करवा रहे हैं वैल्यूज़ को। तो स्विच 1 स्विच 2 क्या है कि सेम बटन दबाने पर पहली बार ऑन होगा, सेम बटन दबाने पर वो स्विच अगली बार ऑफ हो जाएगा। कि यहाँ पर वर्ड सेटअप हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ है। पार्ट है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं इंट ए डिजिटली रीड RFA। तो हमने एक ए इंटीजर लिया है जो क्या करेगा, डिजिटली रीड करेगा RFA को। RFA जो इनपुट है उसको रीड करेगा और ए में हमने स्टोर कर दी वैल्यू कि वो हाई है या लो। ठीक है, तो जब भी हाई होगा हम टॉगल करेंगे SW1 की वैल्यू। तो उसी तरह हमने इंटीजर बी लिया है जो डिजिटली रीड करेगा RFB इनपुट को और उसकी वैल्यू हमने बी में स्टोर कर दी, वो हाई है या लो। और कंडीशन के थ्रू हम कंपेयर करेंगे अब ABCD की वैल्यूज़ को। आप यहां देख सकते हैं A डबल इक्वल्स टू 1, मतलब अगर A हाई हुआ, RFA अगर हाई हुआ तो क्या होगा, SW1 अगर 0 है, जो कि शुरू में हमने इनिशियलाइज़ किया है सभी की वैल्यूज़ 0, तो SW1 डेफिनेटली 0 ही होगा। तो उस केस में SW1 को हम प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो अगली बार जब सेम बटन दबाएंगे तो उसका वैल्यू जो है वो एल्स में आएगा, इफ़ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो अगली बार 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ये इसकी वैल्यू 0 रहेगी फर्स्ट टाइम जैसे हम बटन दबाएंगे, तो डिजिटली राइट रिले 1 को हाई, तो रिले 1 जो है जो आउटपुट पिन उसको हाई कर दिया जाएगा, तो उस पर जो रिले है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत ही आसान कोड है, आप समझ सकते हैं। ये एक सीरियल मॉनिटर पर हमने एक आउटपुट स्टेटमेंट देखना था हमें कि रिले 1 हाई, तो उसके लिए हमने ये सीरियल डॉट प्रिंट ln यूज़ किया है। ठीक है, उसी तरह हमने बी को कंपेयर किया है। अगर बी को बटन दबाने पर यहाँ पे बी की वैल्यू हाई होती है, इन दैट केस SW2 को कंपेयर किया जाएगा कि वो 0 है या नहीं, जो कि फर्स्ट टाइम तो वो 0 ही रहेगा और उसकी वैल्यू को प्लस 1 कर दिया जाएगा। अगली बार जब हम बटन दबाएंगे SW2 के लिए, मतलब बी वाला बटन दबाएंगे हमारे रिमोट में, तो वो एल्स स्टेटमेंट में आएगा और रिले 2 को ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोड वर्क करता है। बहुत ही आसान सा कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड है, मैंने बताया है। हर एक डिले के बाद, मतलब हर एक बटन को दबाने के बाद हमने डिले दिया है आधे सेकेंड का, मतलब 500 मिलीसेकेंड का। ये इजी सा कोड है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे टाइप कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसे हम क्या करेंगे, अब अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाकर हम पोर्ट चेक करेंगे, पोर्ट हम कॉन्फ़िगर करेंगे। आर्डुनो यूनो हमारा COM4 पे लगा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर आर्डुनो बोर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे कि आर्डुनो का हम यूनो यूज़ कर रहे हैं, और अब ये अपलोड का बटन हम दबा देंगे। अपलोड होने से पहले एक बार ये कंपाइल होता है पूरा स्केच, अगर कोई बग हो या कोई एरर हो हमारे कोड में तो वो उसी टाइम हाईलाइट हो जाता है अपलोड होने से पहले। तो ये मेरा प्रोग्राम अभी कंपाइल हो रहा है और कंपाइल होने के बाद इसे अपलोड कर देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोडिंग शुरू हो गई है और डन अपलोडिंग लिखा हुआ आ गया है नीचे।
आप देख सकते हैं मैं ये कोड को अपलोड कर चुका हूं अपने आर्डुनो बोर्ड पे, और अब ये जो चार रिले का मॉड्यूल है इनको मैं कंट्रोल करूंगा ABCD चार बटन से इस RF ट्रांसमीटर से। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं कोई भी एक बटन दबाता हूं तो उसका करस्पॉन्डिंग रिले ऑन हो जाता है, और उसी बटन को वापस दबाने पर वो रिले अगेन ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्किट वर्क करता है। हम वन बाय वन चारों रिलेज को ऑन ऑफ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। पहले मॉड्यूल है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था मेरे पिछले एक वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये रिले मॉड्यूल बनाया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये RF मॉड्यूल कैसे कनेक्ट करना है इस पे, ठीक है। आर्डुनो बोर्ड पे कनेक्ट करना मैंने आपको सिखा दिया, और ये माइक्रो कंट्रोलर जो आप यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये जो आर्डुनो यूनो है इसमें ये माइक्रो कंट्रोलर है। सेम माइक्रो कंट्रोलर को हमने यहाँ से निकाल कर इस रिले मॉड्यूल पर कनेक्ट कर दिया है। जो रिले मॉड्यूल मैंने बनाया है इस पर इसे माउंट कर दिया है। इसकी जो पिन से जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ जो पिन से वो है 5678, और इस तरफ जहां मैंने रिले मॉड्यूल कनेक्ट किया ये है 9 10 11 12, जैसा कि मैंने प्रोग्राम में डिस्क्राइब किया था, डिफाइन किया था। तो इस तरह से ये वर्क करता है। आप बना सकते हैं अपना एक RF रिमोट कंट्रोल। मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने आपको 433 मेगाहर्ट्ज़ का ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल यूज़ करना सिखाया है बिना आर्डुनो बोर्ड के। जी हाँ, हमने एक IC यूज़ किया है, एनकोडर IC और डिकोडर IC, और उसके थ्रू हम एक रिमोट कंट्रोल सर्किट खुद अपना बनाएंगे बिना आर्डुनो बोर्ड के, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।